हमें प्रतिदिन कम से कम 5 प्राणायाम अवश्य करने हैं। एक को कहते हैं भस्त्रिका, ऐसी श्वास लेना और छोड़ना। लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो ऐसे लगभग 5 सेकंड लेने में और 5 सेकंड छोड़ने में लगते हैं। जल्दी करते हैं तो 2.5 सेकंड लेने में, 2.5 सेकंड छोड़ने में। और जो पूर्ण स्वस्थ है, जिनको कोई रोग नहीं है, वो तेजी से भी कर सकते हैं। कैसे? लेकिन इसमें सिर नहीं हिलना चाहिए, चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। देखो ऐसे, अब इसमें सिर नहीं हिलाना चाहिए, चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए, ऐसे नहीं करना। तो ये ऐसे धीरे से अथवा तेजी से 2 मिनट कर लेना। इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका बच्चों? जो भस्त्रिका करेंगे उनके फेफड़े कभी कमजोर, इसी फेफड़े को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वसन तंत्र हिंदी में। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो उसको कभी सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, अस्थमा, ये सब बीमारियां नहीं होंगी। और जब ऐसे करते हैं तो बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना? और इससे हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। कपाल भाती, श्वास को बाहर छोड़ना। इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक 8 चक्र है हमारे शरीर में। कितने चक्र हैं बच्चों? 8 चक्र। 8 चक्र हैं। कितने हैं बोलो? 8 चक्र। सबसे पहले मूलाधार, बोलिए, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, ललना, सहस्रार। और ये कपाल भाती भी बहुत जबरदस्त है, इससे पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। इधर ये, इसको स्टमक कहते हैं। फिर नीचे इंटेस्टाइन है, इधर ये इंटेस्टाइन है, राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, फिर अंदर की तरफ, अंदर गहराई में ना, इधर वो किडनी है। क्या है? किडनी, प्रोस्टेट है, यूट्रस, ओवरी है, ये सब अंदर है सब। तो जो कपाल भाती करेंगे तो अंदर से सब चीजें स्वस्थ हो जाएंगी। जहां गति होती है वहां शक्ति पैदा होती है, जहां गति होती है वहां क्या होती है? शक्ति पैदा हो जाती है। अच्छा, अच्छा शरीर किसको माना जाता है? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और सदी हुई सुंदर भुजाएं। सबको ऐसे चाहिए ना भुजाएं? बोले बाबा जी, ऐसे सुंदर भुजाएं चाहिए सबको, ठीक है ना? उभरा हुआ सीना चाहिए, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और पूरे शरीर की एक एक मांसपेशी फूल की पंखुड़ियों की तरह खिली हुई होनी चाहिए। सबको ऐसा ही चाहिए ना? तो ऐसी बॉडी किससे मिलेगी? योग करोगे तो। कपाल भाती ये बहुत अच्छा है, भस्त्रिका से ये अच्छा होता है।
कपालभाति से, ये अच्छा होता है यहां से, भस्त्रिका से ये फेफड़ा, कपालभाति से पूरा पेट, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, अनुलोम विलोम से पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन और मन, इस पर कंट्रोल। सीधे बैठो, दाएं हाथ उठाओ, दाएं हाथ को ऐसे वायु मुद्रा में रखो, ऐसे। ये वायु मुद्रा क्या है? ये पांच उंगलियां पांच तत्वों का, फाइव एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, अंगूठा किसका? तर्जनी वायु का। किसका? मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी उंगली जल तत्व का। तो ये वायु मुद्रा ऐसे होती, पहले उंगली अंगुष्ठ के मूल में लगा दी, दाएं हाथ को उठाया, दाएं नाक को बंद किया, बाएं से श्वास लेंगे, फिर दाएं से छोड़, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। लगातार करना, रुकना नहीं। कपालभाति पांच मिनट, अनुलोम विलोम पांच मिनट, ऐसे सबको करना है। सीधे बैठे सब बच्चे, सीधे बैठे हैं, दाएं नाक को बंद किया, बाएं से लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका बोलो? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर रखी, ऐसे शेष तीन उंगली से आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और ऐसे नाद होगा, ये भ्रामरी प्राणायाम, अबुद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम बोलेंगे,
शांत हो जाएंगे, कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण मौन, पूरी नीरवता। आज्ञा चक्र में दोनों भ्रुवों के मध्य मन को टिकाएंगे, एकाग्र करेंगे, माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, इसी को धारणा कहते हैं। यहां पर ओम का ध्यान करेंगे, ओम का जैसा अक्षर होता है वैसा ओम का बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम का जैसा अक्षर होता है वैसा अक्षर आज्ञा चक्र में विजुलाइज करेंगे और उसी में मन को टिकाएंगे। ओम ही सबका कर्ता, नियंता, संघर्ता, सर्वज्ञ, सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वांतर्यामी, सबका कर्ता, नियंता, संघर्ता, सबका माता पिता, बंधु सखा, सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं का, सब शक्तियों का, सब सुख शांति आनंद का मूल स्रोत, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, इमोशंस एंड पावर इज गॉड। ऐसे भगवान का ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के फिर आंखों पर रखते, आंखें खोल लेते हैं। ये एक काम किया अभी हमने, प्राणायाम किया और ओंकार का ध्यान किया, प्राणायाम और ओंकार ध्यान।